माइक्रो कोर्स क्या कुछ दे सकता आपको? कितने है आपको माइक्रो चीज कितनी चलिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड दो क्वेश्चन चलिए पहले चलते हैं और देखते हजार <coughs> तेईस ऐसे क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में रेगुलरली आपके पास बढ़ते जा रहे हैं क्या दिया 136 को मैंने ऐड करना है फाइव बी सेवन इसमें थ्री मतलब एक सौ छत्तीस में क्या ऐड किया मैंने फाइव बी थ्री और फाइव बी सेवन क्लियर एंड सम इज थ्री ए एंड बी आर एन टीचर और हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि सेवन ए थ्री इज एक्जैक्टली डिविजल बाई थ्री सेवन ए थ्री वो तीन से डिविजिबल है तो मुझे बता रहा ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी देखिए सबसे पहली बात अगर मेरे पास सेवन ए थ्री स्टूडेंट तीन से डिविजिबल है तो मैं क्या बोलूँगा सेवन प्लस ए प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री होगा यानी टेन प्लस ए बाय थ्री होना चाहिए मतलब ए की कोई ऐसी वैल्यू जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करे इक्वेशन को और मेरे पास आंसर आ जाए वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं क्लियर अच्छा यहाँ पे आओ जरा इसको यहाँ तक रखो अब मैं इसको ऐड करता हूँ देखिए जब इसको मैं स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ तो क्या ग्यारह देखो छः सात तेरह तीन एक एक यहाँ पे आया बहुत सारी वैल्यूज हैं बट थोड़ा सा इस इक्वेशन को भी लेके चलो क्योंकि यहाँ तक ठीक है मेरे पास ए की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है एक को मैं दो पुट कर सकता हूँ ठीक है एक को मैं पाँच पुट कर सकता हूँ एक को मैं आठ पुट कर सकता हूँ बट इनसे मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यूज रही हैं, ना? चलिए अब देखो अगर मुझे दो चाहिए अगर एक ही वैल्यू मेरे को क्या चाहिए दो चाहिए तो तीन एक चार चार चाहिए तो यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा एक ही वैल्यू आठ पुट करनी पड़ेगी जाएगा तो आठ नौ दस ग्यारह एक ठीक है आठ नौ दस ग्यारह बारह दो एक तो पांच से सात आ गया क्लियर तो बी की कौन सी वैल्यू बी की आठ फुट करनी पड़ेगी मेरे को वैल्यू क्लियर चलो अगर ए अगर पांच आ गया मतलब सेवन, थ्री आ गया अब देखो जरा ध्यान से क्यों देखो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं कि क्यों ये बाकी वैल्यूज क्यों ओनली वैल्यू क्यों बोला क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे है। मेरे पास ये मैं लिखा रहने देता हूं सात से तेरह तीन एक अब मुझे अगर ए पांच चाहिए तो यहाँ पे तीन चार या तो एक पुट करो Clear? चलो अगर आपने बी वन पुट कर दिया तीन चार पांच पांच आ गए पे बस पांच और छह हुआ तो पंद्रह चाहिए मुझे समझा बात? बी की क्या चाहिए होगी ग्यारह चाहिए हो? एक जो नहीं। तो, क्या गया? एट नसर, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला था कि क्यों ओनली पॉसिबल वैल्यूज की बात कर आर है क्यू पॉसिबल है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हाउ मेनी ट्रिपल एक्स वाई जेड स का मतलब ये पाइथागोरस वाला नहीं है कि एक्स प्लस वाई प्लस टू सिक्स की कौन कौन सी वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ कि मुझे छः दे बताओ जरा कैसे करें क्वेश्चन देखो मैं अगर इसको वन पुट करूँ इसको टू पुट कर सकता हूँ अच्छा इसको थ्री करूँ इसको टू पुट कर सकता हूँ इसको टू करूँ इसको वन करूँ इसको थ्री करूँ इसको टू करूँ इसको थ्री करो इसको वन करूँ क्लियर इसको थ्री करूँ इसको वन करूँ इसको टू करूँ इसको थ्री करूँ इसको टू करूँ इसको वन करूँ मैंने कुछ नहीं किया मैंने वन टू थ्री को घुमा दिया पहले वन दी वैल्यू वहाँ से देख लिया बी और सी क्या हो सकता है क्रॉस फिर टू ली फिर बी और सी सी ली बी और सी थ्री ली सॉरी तो ये एक दो तीन चार पाँच छः वैल्यूज होगी फिर मैं क्या कर सकता हूँ मैं लिख सकता तो हूँ वन प्लस वन प्लस फोर ठीक है वन प्लस फोर प्लस वन फोर प्लस वन प्लस वन और क्या हो सकता है टू प्लस टू प्लस टू छः और चार कितनी वैल्यूज हो गई ऑप्शन नंबर डी टेन क्लियर <coughs> तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था देखो क्लियर तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या है क्लियर तो या तो ऐसा कर सकते हो आप एन माइनस वन सी आर माइनस वन एन क्या है यहां पे एन होगा सम यानी सिक्स माइनस वन आर क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक दो तो तीन टर्म थ्री माइनस वन यानी फाइव सी टू फाइव फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियर टू ऑफ टू फैक्टोरियल पांच गुना चार गुना तीन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई तीन फैक्टोरियंट ऑफ दो इंटू एक 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. तो जैसे मर्जी कर लीजिए आपके पास है क्लियर देखो लास्ट क्वेश्चन एक आठ वैल्यूल्टी थ्री चाहिए आपको ये भी तो देखना है कि वो, पुट, कि वो तीन से डिविजेबल है सात तीन दस दो हो गया देखो यहाँ पे अगर मुझे टू चाहिए सात से तेरह तीन गया ठीक है दोबारा बता रहा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये टू पुट हो गए सात हो गया तीन हो गया ठीक है जी सात छह तेरह तीन एक इसका मतलब मुझे अगर यहाँ पे दो चाहिए तीन एक चार तो बी आठ होना चाहिए क्लियर है एक वैल्यू आठ आ गई अच्छा अगर ए में पांच पुट करता हूँ यानी वन थ्री सिक्स फाइव बी टू और सेवन फाइव थ्री पुट करता हूँ अगर फाइव में हुआ तो एट भी नहीं होगा देखो सॉरी फाइव बी सेवन है

और ऐसा ही माइक्रो कोर्सेज के अंदर बताया गया मैं आपको सारा बताता हूं ब्रीफ में देखो सबसे पहली बात वट आर माइक्रो कोर्सेज माइक्रो कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका पूरा का पूरा कोर्स नहीं खरीदना पर टॉपिक की तरफ से कर सकते हैं देखिए कैसे हेल्प करेंगे देखो ट्वेंटी 12 सिलेक्शन एन टॉप 12 सॉरी टॉप 10 2 3 4 6 एट टेन ऑल इंडिया रैंक्स है हमारे पास है और फर्स्ट रैंक इन पीसीएस इज क्लियर तो चलिए छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट अभी पीडिया

अट्ठारह बाईस में दस इक्कीस में नौ बीस में पंद्रह तो ये डाटा लगातार बना हुआ है कॉन्सटेंट डाटा मेरे पास क्लियर तो अगर मैं ग्यारह लेक्चर्स की बात करूं उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन भी है वीडियो सोल्यूशन है आपके थ्योरी भी है वेब नोट्स क्या बोलेंगे वेब नोट्स क्या होगा थ्योरी पार्ट होगा आपके पास चार सौ इकतालीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कहने का मतलब क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस

<kuh> ये आपका बैच हो गया ये आपके सर के मेंटरशिप की वीडियोस हो गई या आपका फ्री होम कोर्स हो गया क्लियर और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 22, 23 में रैंक होल्डर्स पर रैंक लिया था जैसे फर्स्ट फिफ्टी वन आर्ना फिफ्टी सिक्स जतन नाइनटी वन दिव्यक्सो पांच क्लियर ये इन्होंने लिखा हुआ है कि क्यों हम नंबर वन है लगातार 25 साल से ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इंटर प्रिपरेशन एट अंडर बंसर सर तो फेज वन फेज टू फेज थ्री सब प्रिपरेशन यही है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है एक नंबर बता रहा हूँ आपको मैं कोई डाउट हो तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइवन इस नंबर पर या व्हाट्सअप कर सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन नंबर के बाद उसके बाद प्रोवाइड की जाएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू